मेरा नाम अली रहमान खान है और आप देख रहे हैं ई ट्रेंड्स का चैनल। प्लीज इसकी ईद ऊंचाइयों पे जाने की रास्ते में है और कैरेक्टर उसका बड़ा सिंपल सा है, हार्ड वर्किंग बंदा है, बहुत सेल्फ मेड टाइप है। उसका हमेशा इथोस ही रहा है कि मैं मेहनत करके जो है आगे बढ़ूँगा, मगर आई थिंक उसमें उसकी सेल्फ सेंटर्डनेस भी है कि वो दूसरों को फिर ख्याल ही रखता है। वो कम्पेटिटिव बहुत है और वो चाहता है कि वो टॉप पे हो, तो इस पर वो फिर जो साथ में उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं शायद उनको इग्नोर कर जाता है और अपने काम में इतना मसरूफ हो जाता है अपने एम्बिशन को, अपने गोल को अचीव करने के लिए कि वो दूसरों को इर्द गिर्द भूल जाता है। मगर है अच्छा आदमी, इज़ अ गुड हार्ट एंड बस वो चाहता है कि हमेशा मतलब कि उसके हाथ किसी का बुरा ना हो, मगर उसकी बैड लक भी काफ़ी ज़्यादा है। जितना सक्सेसफुल है उतना उसका बैड लक है और वो जब रास्ते में उसकी ज़िंदगी में हीर वापस आती है तो उसकी बैड लक एक नया मोड़ लेती है। मेरा कैरेक्टर हीर का, हीर एक ऐसी लड़की है जो खुश रहना चाहती है, खुश रखना चाहती है लोगों को। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद हर फादर, अपने बाप की बहुत लाडली है, शी इज़ ऑलवेज बिन एम्पावर्ड बाय हर फादर। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी काफ़ी उसके हालात काफ़ी बदल जाते हैं और वो क्यों कबीर की ज़िंदगी में वापस आती है और वापस क्या था उनका पहले क्या रिश्ता था और कैसे थे वो तो ज़्यादा फिल्म में पता चलेगा, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट ओवरऑल शी इज़ अ गर्ल हु जस्ट who's full of love, who's lively and thodi si shararti bhi. Mera to wahi hai jo hota hai jab tum नहीं है तो कोई भी खा सकता है, मगर अगर कोई सेब ले आए तो एटिकेट्स होते हैं। बताएं ना फिर लोगों को, हरीम फारूक है, हरीम फारूक है मेरी फेवरेट को स्टार हरीम फारूक है, मगर मैं सिंगल आउट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जितनी को स्टार के साथ काम किए अपार्ट फ्रॉम ऑल हैव बीन अमेजिंग। आई मीन अभी रिसेंटली मैंने सनम बलोच के साथ काम, मेरी जान प्यार है सनम बलोच, आई रियली एंजॉयड वर्किंग और उस तरह की जान आप बताए ना हरीम। देखिए अली रहमान वो तो मेरे फेवरेट को स्टार हैं, लेकिन क्या कहते हैं, नो सीरियसली बिकॉज़ वी वर्क टुगेदर सो मच, देयर इज एक सर्टेन कंफर्ट लेवल है, तो इट्स अब उस पे तो देयर मतलब यू कांट डिनाई इट कि ऑब्वियसली फेवरेट हैं तो बार बार काम कर रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम अली आई'ड से अदनान सिद्दीकी एंड ओबी उस्मान खालिद। स्मार्ट रियली चेंज होता है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, आई मीन हाँ इस्लामाबाद में हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो
उसकी वजह से आई थिंक कम्फर्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम जनरली सबके साथ काम करते हैं. हमारे पास हमारे मतलब फॉर इंस्टेंस फॉर हीर मांझा इटसेल्फ हमारे बहुत सारे कैमियोज ऐसे हैं जो दे नॉट जस्ट कैमियोज, उनके क्या कहते हैं दे प्रॉपर कैरेक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी. और बी देर वो सारे वो लोग हैं जो लोगों के पसंदीदा है, उसमें से कराची के भी हैं, उसमें से लाहौर के भी हैं. तो आई थिंक एक अजम्पशन है जो हम सब ने की हुई है इंडस्ट्री में, पहले लाहौर और कराची की थी, अब लाहौर कराची और इस्लामाबाद भी है. एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी आर ऑल पाकिस्तानी, कोई डिफरेंस नहीं है हम सारों में आपस में आई थिंक. और इसमें एक और चीज़ भी है कि हम इस्लामाबादियों की तरफ से कभी ये नहीं आता, ये हमेशा लाहौर या कराची वालों से क्यों आता है? आप लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, हम साथ में इस्लामाबादियों को भी साथ में ले आते हैं. हम लोग कभी इस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ना हमें पता लाहौर कराची की क्या लड़ाई है और ना ही इस्लामाबाद की कोई लड़ाई है किसी से. मुल्क एक है, टैलेंट हम सारे एक ही मुल्क के हैं, हम क्यों अपने आप को सिटी से कर रहे हैं? Exactly. तो नहीं करना चाहिए. हम सारे मतलब कि हम सारे वी लव टू वर्क विद अदर पीपल, मगर अगर ये मैंटेलिटी रही तो कैसे काम करेगा पूरी कॉम? इसलिए हम सारे काम करते हैं. इस्लामाबादी बल्कि कराची में बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, लाहौरी बहुत फ्लरिश कर रहे हैं. कराची एक शहर है जिसमें बिजनेस ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, सब कुछ कामयाब हो रहा है और सब यहीं आते हैं काम करने और खुशी से आते हैं और हम भी खुशी से यहीं रह रहे हैं. तो आई डोंट थिंक ये डिफ्रेंशिएशन है कि हम लोगों ने लॉबी बनाई हुई है. हाँ, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तो हमें एक दूसरे की स्किल्स का और हमने एक दूसरे की टैलेंट का थोड़ा आइडिया होता है, हमें पता है कि किस कैरेक्टर में कौन ज़्यादा बैठ सकता है. और क्योंकि हम लोग एक ही फील्ड में हैं तो और मतलब कि हम लोगों ने कुछ अचीवमेंट्स शायद कर ली हैं तो हम एक दूसरे को रेफ़र कर सकते हैं इधर उधर, क्योंकि हम लोग जानते हैं. अगर फॉर इंस्टेंस मुझे कोई पूछता है कि यार कोई एक्ट्रेस है जो इस तरह का रोल कर सकती है, अगर हरीम पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो हरीम पे सूट नहीं करेगा तो मैं इसको रेकमेंड ही नहीं करूँगा प्रोफेशनलिज्म के तौर पे, यू नो. मगर ये भी है कि ऑफ कोर्स अगर मुझसे मगर ऑफ कोर्स कोई अच्छा मतलब एक रोल है और किसी को अच्छी एक्ट्रेस कभी पूछता है कि कोई अच्छी एक्ट्रेस है या फिर कुछ, तो मैं हमेशा रिकमेंडेशन जरूर. तो जितने भी एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया है अलहमदिल्ला अल्लाह का शुक्र है, बहुत फाइन एक्ट्रेसेस सारी रही हैं इंक्लूडिंग. हमारे यहाँ ना सिनेमा गोइंग कल्चर जो है वो ख़त्म हो गया है हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारा सिनेमा जो है इट वॉज डेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो हमारे यहाँ होता ये कि कुछ इवेंट्स होते हैं जिसपे आपको बिजनेस ज़्यादा मिलता है फिल्म्स को, ईद बीइंग बोथ द ईद्स बीइंग द मेजर इवेंट्स, उस पर ऑक्यूपेंसी जो होती है सिनेमाज में ज़्यादा होती है, हैंस एवरीवन डज फाइट फॉर ईद रिलीज. अदरवाइज आहिस्ता आहिस्ता करके द रीज़न वी प्रमोट सो मच हम मार्केटिंग भी इतनी करते हैं कि हमारे जो लोग हैं हमारे जो ऑडियंस है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सिनेमा अपना पाकिस्तानी सिनेमा देखने के लिए हर हफ्ते हर महीने निकलें. स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, इनफैक्ट दे आर गेटिंग बेटर. अगर आप जब सिनेमा का रिवाइवल हुआ था तब से लेके अब तक देखें तो स्क्रीन्स बढ़ गई हैं, लोगों का मार्केट बड़ी हो गई है, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है पाकिस्तानी सिनेमा में. सो आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर. लेकिन ईद का ये होता है कि आप लोग ज़्यादा आते हैं, आप लोग देखने ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग को बीइंग प्रोड्यूसर्स आई थिंक हमें वी नीड टू डू बिजनेस. इफ़ यू डू बिजनेस वी गोइंग टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट फिल्म, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट कंसिस्टेंसी इन द इंडस्ट्री. और अगर आई एम सॉरी इंडस्ट्री तो हमारी भी है नहीं, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट कंसिस्टेंसी विच विल क्रिएट एन इंडस्ट्री. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ, हेंस सो मेनी फिल्म्स कमिंग आउट ऑन ईद टुगेदर. That's again, that's not true. I think I didn't go because I couldn't go. I had other work, but nomination hona na hona, I mean, it's achhi baat hai. I mean, nomination ho, that's a very good thing. I mean, it feels good as well. Uske upar award aapko mil jaye, that also feels good. But having said that, I mean, that's not a necessity. That's not going to determine my skill. जो अप्रिसिएशन मुझे मेरे फैंस से मिलती है, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी. येस आई मीन इफ आई एम अवॉर्डेड दैट विल बी ग्रेट, बट इट्स नॉट वो वाला सिस्टम नहीं है कि हाय अल्लाह नॉमिनेट नहीं किया तो मैं तो शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी. दैट्स नॉट ट्रू. आई मीन इट डजंट मैटर.